तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं और बिल्लू एक ऐसी जगह आ रखे हैं जहां 1962 में इतनी खतरनाक चीज़ हुई थी जिससे दोस्तों मेरी रूहें अभी भी कांपती है। मेरा हाथ में दोस्तों जो है घूस बम आ रहे हैं। और दोस्तों ये रहा बिल्लू। तो बिल्लू, तेरे को कैसा लग रहा है ये नज़ारा देख कर? बढ़िया लग रहा है बॉस। और दोस्तों आप बोलेंगे कि आज तीन जने और लेके आ रखो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बाघ का उड्यार है, इसलिए मैं राहुल, राजा, कुलदीप को भी लेके आ रखा हूँ। तो दोस्तों जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो जगह है ये वाली जगह। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं शेर। और दोस्तों जो आप यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर देख पा रहे हैं, दोस्तों मेरे बूबू मेरे को बताते हैं कि 1962 में एक बहुत बड़ी आपदा भूकंप आया था जिसमें ये जितने भी पत्थर देख पा रहे हैं ऊपर से एक सीरीज में नीचे को आए थे। और देख पा रहे कितने विशाल का ये पत्थर है, ये देखो दोस्तों। और ये यहाँ तक ही नहीं, बहुत ऊपर तक ये पत्थर हैं और इतने बड़े ये पत्थर है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों अभी हम दोस्त लोग जो है जरा सी ऊपर की ओर जा रहे हैं। और दोस्तों मेरे बूबू ये भी बताते हैं कि जब ये भूकंप आया था तो गांव में जो है काफ़ी डर का माहौल था। और दोस्तों ये देख सकते हैं कितने विशाल काय पत्थर हैं। और अभी हम बच्चे लोग ऊपर को जा रहे हैं दोस्तों, आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं। हम भी तो खतरों के खिलाड़ी हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम बच्चे लोग ऊपर को जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पत्थर है, ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर वो ऊपर से आए थे दोस्तों। आप सोच सकते हो कि उस टाइम गाँव में कैसा माहौल हो रखा होगा। ये देख सकते हो दोस्तों इतने इतने छोटे लग रहे हैं पत्थर के सामने, दिखाता हूँ मैं जरा पीछे जाकर। ये देखो दोस्तों इतना बड़ा ये पत्थर है और इतने छोटे ये हैं। और दोस्तों मैं इनको इसलिए ला रखा हूँ क्योंकि जो ये बीच बीच में छेद बन रखे हैं ना दोस्तों, ये देख सकते हैं ये बीच बीच में जो छेद बन रखे हैं इसके अंदर दोस्तों बाघ भी हो सकता है, कोई भी जंगली जानवर हो सकता है, इसलिए मैं अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके आ रखा हूँ। फ्रेंड यू सी द बिग स्टोन एंड द बिल्लू को भी आप देख सकते हैं दोस्तों। बिल्लू बिल्लू अपने दोस्तों के साथ इस पत्थर के नीचे खड़ा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो पत्थर कितना विशाल काय है और बिल्लू एकदम चींटी की तरह लग रहे, एकदम चींटी की तरह ये देख सकते हैं दोस्तों। ओ माई गॉड, द हिल स्टॉर्म इज कम वेरी डेंजरस दोस्तों इन एंशिएंट टाइम। ओ माई गॉड दोस्तों, मेरे को तो इतनी डर लग रही है ना, मेरी रूह तो अभी भी कांपती है कि उस टाइम पे कैसा माहौल हो रखा हमारे गांव में। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ से लेकर वो ऊपर तक दोस्तों इतने बड़े विशाल का पत्थर मिलेंगे आपको, इतने बड़े विशाल का पत्थर। मैं एक बार आपको वो ऊपर जाके भी दिखाता हूँ, दो मिनट रुको। दोस्तों आप यहां से नीचे को देख सकते हैं और यहां से सोच सकते हैं कि यहां से वो नीचे तक कितने पत्थर है और अभी ऊपर को भी है। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही, आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों जल्द से जल्दी हम यहां से जाते हैं, कहीं किसी जंगली जानवर ले हम ना कर जाते हो। लेट्स गो दोस्तों, चलो भाइयों।